किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है, लौटा दे या हस्ताक्षर करें। इनको नफरत फैलाने के अलावा कुछ आता नहीं। अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है, जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल चार चार पाँच पाँच महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है, लौटा दे या हस्ताक्षर करें। ये रोकने के काम क्या है, मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकारमय कर दे, ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं, सर्वे तो गरीब आवास लोगों कर रहे हैं तो उसका समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी से मौन है और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश करें, जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का देखो, इनको नफरत फैलाने के अलावा कुछ आता नहीं। आरएसएस की ट्रेनिंग यही है कि नफरत फैलाओ, समाज में द्वेष फैलाओ और आधा वोट ले लो। जनता के लिए इनके पास कार्यक्रम कुछ नहीं है। अभी बीरनपुर की घटना में क्या हुआ, ये कोई जांच कमेटी की बनाए, कोई उसमें निर्णय में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे और सीधा हिंसा, आग लगाओ ताकि वो सत्ता हासिल कर सके।